हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी स्कॉलर चैनल। और ये जो है ये जनवरी 2017 का पेपर है, पेपर थ्री। सो चलिए इसको देख लेते हैं कि क्या है। सो पेपर थ्री है, उसका पहला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डायस्पोरिक राइटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए बर्लिल बैरियल बेनब्रिज। सो ये एक फेमस इंग्लिश राइटर हैं और इन्होंने साइकोलॉजिकल फिक्शन, इनका जो वर्क रहा है वो प्राइमरली अपने साइकोलॉजिकल फिक्शन की वजह से जानी जाती हैं। देन क्वेश्चन नंबर टू, अ टेक्स्ट इज़ नॉट अ लाइन ऑफ वर्ड रियलाइजिंग अ सिंगल थियोलॉजिकल मीनिंग बट अ मल्टी डायमेंशनल स्पेस इन विच अ वैरायटी ऑफ राइटिंग नन ऑफ देम ओरिजिनल ब्लेंड एंड क्लैश। द टेक्स्ट इज अ टिश्यू ऑफ कोटेशंस ड्रॉ फ्रॉम द इन्यूमरेबल सेंटर ऑफ कल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्रेशन एक्सप्रेसेस द पोजिशन स्टेटेड अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, दैट इज अ टेक्स्ट इज अ लिंग्विस्टिक विदाउट एनी यूनिटी ऑफ मीनिंग एंड इज लिंक्ड टू मल्टीपल सोर्स ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, इन विलियम कॉनग्रेव द वे ऑफ द वर्ल्ड फेयरऑल इज द लेडी विशफोर्ड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज सन इन लॉ। देन क्वेश्चन नंबर फोर इज मैच, देख लेते हैं मैच। द ईगोइस्ट हैरियट वीवर एंड डोरा मार्सडन। देन क्वेश्चन देन इंग्लिश रिव्यू जो है वो फोर्ड मैडॉक्स फोर्ड का वर्क है। ब्लास्ट इज विंडहम लेविस एंड एजरा पाउंड एंड पोइट्री अ मैगजीन ऑफ वर्ड्स हैरियट मोनरो। देन क्वेश्चन नंबर फाइव, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्रेस द थीम ऑफ द कोलरिज द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, पीपल शुड ऑनर एंड रिस्पेक्ट ऑल लिविंग थिंग्स। देन क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन द कॉम्प्रिहेंसिबल आउटपुट हाइपोथिसिस वॉज प्रपोज्ड बाई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज मैरीज स्वेन एंड शी इज प्रोफेसर एंड एमर्टिया टू ऑफ द सेकेंड लैंग्वेज एजुकेशन। देन क्वेश्चन नंबर सेवन, इन ट्रिस्टम श्रैंडी कॉर्पोरल ट्रिम्स ब्रदर टॉम डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ ब्लैक सर्वेंट इन सुसैज शॉप इन लिस्बन दैट ही विजिटेड। दिस एपिसोड इज इंस्पायर्ड बाई अ लेटर लॉरेंस स्टर्न रिसीव फ्रॉम अ ब्लैक मैन। स्टर्न रिप्लाई बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी एबॉलिनिस्ट लिटरेचर। नेम द पर्सन हु रोट द ए फॉर मैंशनड लेटर टू स्टर्न। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज इग्नेशियस सेंचो। देन क्वेश्चन नंबर एट, इन ब्रिटॉल्ट ब्रिचेट मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन विच सॉन्ग डज वाई वेट सिंग टू मदर करेज एंड कैटरीन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, द फ्रेंटर्नाइजेशन सॉन्ग। देन क्वेश्चन नंबर नाइन, इन गुस्टेव फ्लाउबर्ट्स मैडम बोवरी अंडर वॉट pretext does Emma go every week for her clandestine meeting in Lyon in Rouen. तो इसका correct option है D, that is under the pretext of taking piano lesson. Then question number 10, identify the two book by C.S. Lakshmi अंबानी published in English translation. तो इसका correct option है D, the Purple Sea, एक short story है, and In a Forest, a Dear Story. Purple Sea, In a Forest, a Dear Story. Then question number 11, Elizabeth Bennet Browning sonnet from the Portuguese is, तो इसका correct option है option A. So that is a sequence of the 44 Petrarchan sonnet and a rewrite of Popanian didactic verse. Then question number 12, In the story of my experiment with truth, M.K. Gandhi cover a narrative of his life from early childhood through, तो इसका correct option है C, 1921. Question number 13, In a writing system, the minimal unit that can cause a difference of meaning is called, तो इसका correct option है grapheme. Then question number, it is the smallest meaningful constructive unit in writing system. Then question number 14, Nu Ego is a character in, तो इसका correct option है C, The Joys of Motherhood is a novel by Ellison and Buss. Then question number 15 is a match, देख लेते हैं. Etymological source of word, code switching, changing from one language variety to another in discourse, longnate word with a common ancestor, then pragmatics, rules governing the social use of language. Then question number 16, what would help a reader recognize Keats to Autumn as poem from romantic period? तो इसका correct option है C, the lavish nature imagery. Question number 17, which of the following is an accurate description of heteroglossia? तो इसका correct option है B, that is heteroglossia function in novel is alliance with
its stylistic system, incorporating multiple voice inscribed in social language and differentiated component of a writer's ideological position. Then question number 18, the in Ulysses Leopold Bloom work for a Dublin. So its correct option is C, newspaper. Question number 19, which pair of plays belong to an early career of Harold Pinter? So its correct option is C, that is Caretaker 1961, of One for the Road 1984, and Celebration 2000. Then question number 20, who among the following contemporaries of John Donne was wrote the following line on his death? Here lies a king that ruled as he thought fit, the universal monarch of wit. So its correct option is C, that is Thomas Carew. He Carolyn poet hai. Then question number 21, in his poem Australia, A.D. Hope says that. So its correct option is A, that is Australia is a without song architect history. The poet turned to her to find the Arabian desert, the human mind hoping is still from the desert prophet come. So iska pehla hai, yes, yehi pehla aur teesra jo maine padh diya. Then question number 22, basic English, a simplified and fundamental framework of English was formulated by. So iska correct option hai C, I.A. Richard and C.K. Ogden. Then question number 23, Britons will never be slaves, felt proud Britons in 18th century. A great many Britons though had no qualm about owning slaves and profiting from them. Who among the following British authors self-consciously engaged with the issue of slavery in some poem? So iska correct option hai B, that is Hannah More and Anna Yearsley. Then question number 24 match है, नॉवलिस्ट है और यहाँ वर्क है, देख लेते हैं. अनीता देसाई इन कस्टडी, नयनतारा सहगल रिच लाइक अस, देन अरुण जोशी द लास्ट लैबरिंथ, कमला मार्कंडे नो वेयर मैन. देन 25 ही क्रोनोलॉजी है, द सिस्टर कैरी 1900, थियोडोर डियर्स डिरेजर, देन ग्रेट गैट्सबी, F. Scott Fitzgerald, then beloved Toni Morrison, then American Pastoral of Philip Roth. Question number 26, in which of the following sense did Marx and Hegel originally use the term ideology in German ideology? Iska correct option hai A, a German ideology is a set of manuscript written by Karl Marx and Friedrich Engels around April or early May 1846. But the work was published for the first time in 1932. Then question number 27, the plot of this cozy novel unravels the narrative of a poor man of color trying to survive in a civil war situation, never taking side. Identify the novel. Iska correct option hai D, Life and Time of Michael K. ye jo hai isko Booker Prize mila 1983 mein. The novel is a story of a man named Michael K who makes a arduous journey from Lape Town to his mother's rural birthplace during an imaginary civil war during the apartheid era in the 1917 and 1828. Question number 28, which of the following line of T.S. Eliot is used by Anita Desai in as the epigraph for her novel Baumgartner's Bombay? So iska correct option hai B, in my beginning is my end, East Coker. Then question number 29, in general prologue to Canterbury Tales, which two characters are example of deep Christian goodness? So iska correct option hai C, that is Parson and the Plowman. Then question number 30, identify Falstaff's word in Henry IV part 1. So B hai, now Hal, what time of day is it, lad? Then question number 31, Anna Barbauld's Letitia Elizabeth London, Charlotte Smith, Mary Robinson and Felicia Herman are. So iska correct option hai option hai B, women poets of the romantic period. So ye sare jo hai ye women poet hai romantic period ke. Then Ray
ब्रैडबरी हैज़ अ टाइटल्ड वन ऑफ हिज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन गोल्डन एप्पल ऑफ द सन आफ्टर द लास्ट लाइन ऑफ डब्ल्यू बी येट्स पोएम विच पोएम. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, द सॉन्ग ऑफ द वंडरिंग एग्नेस. सो द गोल्डन एप्पल ऑफ द सन इज एन एंथोलॉजी ऑफ 22 शॉर्ट स्टोरीज बाय रे बर्ड ब्रैडबियर इज अ बुक. The book's title is also the title of a final story in the collection. The word the golden apple of the sun are from the last line of the final stanza of W.B. Yeats' poem The Song of the Wandering Agnes. Then question number 33, which play of Tom Stoppard set in Zurich during the First World War present a character's interaction with James Joyce as he was writing Ulysses Tristram Jara during the rise of Dadaism and Lenin leading up to the Russian Revolution, all whom were living in Zurich at that time. So, its correct option is D, Travesties. So, Travesties is a 1974 play by Thomas Stoppard. The play centered on the figure of Henry Lehr, an elderly man who reminisces about Zurich in 1917 during the First World War. Question number 34. Most blameless is he, centered in the sphere of common duties, decent, not a fail in office of tenderness. In these lines from Ulysses, what does Ulysses suggest about the Telemax? Then इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, ही इज़ अ पेशेंट एंड सेल्फलेस. देन क्वेश्चन नंबर 35, इन रेस्टोरेशन कॉमेडी द फॉलोइंग इज ट्रू एक्सेप्ट. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, अनचेस्ट वुमेन विडो एंड कुक लॉर्ड्स स्केर्सली मेक एन अपीयरेंस. तो ये गलत है. तो सही क्या क्या है ये देख लीजिए. इन द लंडन लाइफ इज हेडोनिस्टिक यंग मैन इज पोर्ट्रेड नेम कैप्स इन कैप्सुलेट ट्रेट्स. देन द हीरोइन सीक्स अ से इन द चॉइस ऑफ मैरिज पार्टनर. देन क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट हैपन टू द कैरेक्टर बॉय एट द एंड ऑफ द लुइगी पिरेंडेलो प्ले सिक्स कैरेक्टर इन सर्च ऑफ ऑथर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, ही कमिट्स सुसाइड. क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव विल नॉट अप्लाई बैकी शार्प अ मेजर कैरेक्टर इन वैनिटी फेयर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, वेल बॉर्न. वैनिटी फेयर इज एन इंग्लिश नॉवल बाय विलियम मेकपीस थैकरे विच फॉलोज द लाइफ ऑफ बेक शार्प एंड एमी सेडले एमिड देयर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मैप्राकोनिक वॉर. देन क्वेश्चन नंबर 38, विच कैरेक्टर ऑफ एंटॉन्स चेवॉक प्ले द चैरी ऑर्चर्ड फर्स्ट सजेस्ट द सेलिंग ऑफ द ऑर्चर्ड. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, लोपाकिंस. देन क्वेश्चन नंबर 39, ये क्रोनोलॉजी है, देख लेते हैं. टैटलर आया 1709 में, स्पेक्टेटर आया 1711 में, द जेंटलमैन मैगजीन 1731 एंड रैम्बो देन 1750. देन क्वेश्चन नंबर 40, हु आइडेंटिफाई स्ट्रैंगल्ड आर्टिकुलेटनेस एज द थीम ऑफ कैनेडियन राइटिंग. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, हरमन नॉर्थ्रॉप फ्रायर. देन क्वेश्चन नंबर 41, आइडेंटिफाई द गाइनोक्रिटिक्स इन द फॉलोइंग लिस्ट. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, तो सी का सेकंड है एलिन शोवाल्टर एंड थ्री सुंदरा गिलबर्ट. देन क्वेश्चन नंबर 42, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर हु इज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ थ्री प्रोटैगनिस्ट इन ग्रीश कन्नाड है वदन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, दैट इज गौतम. पद्मिनी, कपिला एंड देवदत्त वॉज द character in Haivadan. Then question number 43, Arvindo Ghosh, author of Savitri, taught for some times at Baroda College after his return from England in 1893. Which subject did he teach? So its correct option is B, French. Then question number 44, Christopher Marlowe's hero and lender can be classified as? So its correct option is C, Apelian. Then Apelian is a narrative poem that resemble an epic poem in a style but which is notably shorter. तो ये short होता है epic से. Then question number 45, which among the following does not belong to the Indo-European language family? तो इसका correct option है D, Finnish. Then question number 46, what among the following is ruled out by the Longinus as a way of achieving the sublime? तो इसका correct option है B, immoderate emotion. Question number 47, who among the following is not a beat writer? तो इसका correct option है C,
रॉबर्ट लोवेल, देन एलेंस गिल्सबर्ग एंड विलियम बुरॉफ, देन जैक क्रोक क्रूक्स, ये सारे जो हैं बीट राइटर हैं. देन क्वेश्चन नंबर 48, दिस वॉज द मास्क रिटन बाई बेन जॉनसन स्टेज्ड ऑन 12th नाइट एंड इट वॉज द फर्स्ट मास्क इन द इन विच प्रिंस चार्ल्स टुक पार्ट. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, प्लेजर्स रिकॉन्सिल्ड ऑफ टू वर्च्यू. देन क्वेश्चन नंबर 49, एलिजाबेथ बिशप्स पोएम आर बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर देयर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, कन्वर्सेशनल इंटीमेसी. देन क्वेश्चन नंबर 50, विच चिलिंग नॉवेल ऑफ सर्विलेंस एंड इंट्रैपमेंट हैड द अल्टरनेटिव टाइटल थिंग्स आर दे वर. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, विलियम गॉडविंस कैलिब्स विलियम. देन क्वेश्चन नंबर 51, इन माई लास्ट डचेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द डचेस मिस डिमैन्योर्स अकॉर्डिंग टू द ड्यूक. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, शी वुडंट लिसन टू हर हस्बैंड व्हेन ट्राइड टू करेक्ट हर बिहेवियर. देन क्वेश्चन नंबर 52, इन हिज एसे फ्रॉम वर्क टू टेक्स्ट रोलैंड बार्थस सेज द फॉलोइंग अबाउट द टेक्स्ट. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, द टेक्स्ट इज हेल्ड इन लैंग्वेज एंड द टेक्स्ट इज अ मेथोडोलॉजिकल फील्ड. देन क्वेश्चन नंबर 53, सीमस हियानी डिगिंग इन हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट इलस्ट्रेट्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, हिज ऑब्सेशन विद आयरिश लेजेंड एंड फोकलोर. देन क्वेश्चन नंबर 54, सो ये लिस्ट है यू हैव टू मैच इट. तो इसको देख लेते हैं, ओ वी विजयन मलयालम, विलास सारंग मराठी, कृष्ण बलदेव वैद हिंदी एंड गिरीश कर्नाड कन्नड़. देन क्वेश्चन नंबर 55, इन बुक 8 पैराडाइज लॉस्ट एडम आइडेंटिफाई हिज चीफ फ्लॉ और वीकनेस टू रफेल, व्हाट इज दिस फ्लॉ. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, पैशन फॉर ईविल ईव. देन क्वेश्चन नंबर 56, इसमें क्रोनोलॉजी है, देख लेते हैं, द आउल एंड द नाइटेंगल 12th एंड 13th सेंचुरी, टोरियालिस एंड क्रुसेडे 1378-85, मॉर्टे द ऑथर 1485 एंड इथियोपिया 1516. देन क्वेश्चन नंबर 57, द सोफोक्लीज प्ले किंग ओडिपस लेयूस द अर्स्टवाइल रूलर ऑफ थेब्स वॉज मर्डर्ड. इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, एट द क्रॉस रोड इन हिज वे टू डेल्फी. देन क्वेश्चन नंबर 58, द क्वाइटेंशियली मेटाफिक्शनल नॉवेल इफ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर बाय इटालियो कैल्विनो हैज अल्टरनेट चैप्टर विद चैप्टर नंबर्स एंड टाइटल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइटल ऑफ द चैप्टर इन द नॉवेल. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, लुक डाउन इन द गैदरिंग शैडो और इन अ नेटवर्क ऑफ लाइन दैट इन लेस. देन क्वेश्चन नंबर 59, द नॉवेल मॉरिस बाई ई एम फ्रॉस्टर अपियर्ड पॉस्थ्यूमसली इन 1971. इट हैड अ होमोसेक्सुअल थीम, सो फ्रॉस्टर्स कंसिडर्ड इट सब्जेक्ट मैटर टू इनडेलिकेट फॉर पब्लिकेशन ड्यूरिंग हिज टाइम. इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई अ राइटर हु वॉज सोशलिस्ट एंड ओपन होमोसेक्सुअल. आइडेंटिफाई द राइटर. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, एडवर्ड कारपेंटर. Then question number 60, who among the following has elaborated on the Indianization of English? So iska correct option hai C, that is B.B. Kachru. Then question number 61, these are four model of relating literature of history, which of the following is associated with formalism? So iska correct option hai A, the literary text are universal and transcendent history, the historical context of their production and receptions has no bearing on the literary work, which is aesthetically and autonomous, having its own laws, being a world into itself. Then question number 62, a Gunter's Grass novel, The Tin Drum opens we find Oscar Metzgereth. So iska correct option hai B, in a mental hospital writing his story.
Then question number 63, D.H. Lawrence 1926 novel The Plumed Serpent is sent in which country? So its correct option is C, Mexico. Then question number 64, which two writer can be described as writing historical novel? So its correct option is C. So Sir Walter Scott, a Scottish historical novel, Charlotte Bronte, English novelist hai, Mary Edgeworth, Anglo-Irish writer, adult and children literature, and Jane Austen was English novelist. So isme C jo hai wo one hoga, Sir Walter Scott and Maria Edgeworth. Then question number 65, which of the Kazu Ishigaro novel are set mostly in Japan? So iska correct option hai C, that is An Artist of the Floating World and A Play View of Hell. An Artist of a Floating World, it is set in a post Kerold War 2 World War hona chahiye, yahan pe Kerold likha hai, to 2 Japan, narrated by painter Masaji Ohn. Then Unconsoled Raider, a famous pianist arrive in a central European city to perform. Then The Remains of the Day, Stevens, a butler, recall his life in a form of diary. A Pale View of Hell, first novel, a middle-aged Japanese woman living in England. Then question number 66, in the advancement of learning, Bacon noted the need for more study of. So its correct option is A, that is moral knowledge or civil knowledge. Question number 67, which among the following text purports to be autobiography of a mad German philosopher edited by an equally fictitious editor? So its correct option is A, Sertorius Restartus. So its meaning is Taylor Retailored. This is Thomas Carlyle's novel. Question number 68, as Sidney argue in a defense of poesy, which discipline is more useful in praiseworthy history of for poetry? So its correct option is B, poetry, where men can see virtue exalted and vice punished, is more useful than history. Then question number 69, in Bunyan's Pilgrim's Progress, Christian and his friend Faithful cause or commotions at the Vanity Fair for many reasons. Which of the following statement is not true of their appearance at the fair? So its correct option is C, they sample every entertainment at the fair. Then question number 70, what does the title Morte the author mean? So its correct option is B, death of the author. Then question number 71, assertion hai, character in novels are people whose secret lives are visible or might be visible. We are people whose secret life are invisible. So question jo iski reasoning hai wo kya hai, even when novels are about wicked people, they can solace us. They suggest a moral, manageable human race. They give us the illusion of seeing clearly and of power in the light of the statement ever. So iska jo correct option hai B, A and R are correct, but R is not explaining the A. Then question number 72 se 75 tak ye jo hai ye aap dekh lijiye, ye a poem hai aur poem ke ko padh ke aapko jo hai answer dena hai. Ye Dead Fox poem ka naam hai, ye question hai सारे, और इसको देख के आपको जवाब देना है. तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है, और आप अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, और स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.